from me. अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। चलो देखिए इसकी चेस्ट पर गांठ होने की वजह से कभी कभी दर्द इसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। 3 महीने से इसका इलाज चल रहा है लेकिन इसकी गांठ में कोई कमी नहीं आई, ऑपरेशन करना पड़ेगा और जल्दी करवा लीजिए। कहीं अगर ब्लड का ब्लॉकेज हो गया तो ये बेहोश होकर कहीं भी किसी भी वक्त गिर सकती है। आप कैश काउंटर पर पैसे जमा करा दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें कितने खर्च आएंगे? ये कोई 25,000 के आसपास। डॉक्टर साहब हम गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रोज की कमाई तो घर का खर्चा चलाने में खत्म हो जाती है और मेरे पास कुछ गहने हैं, अगर मैं उन्हें बेच भी देती हूँ तो सिर्फ 4 या 5 हज़ार का ही जुगाड़ हो सकता है। देखिए मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आगे आप लोग जाने। डॉक्टर साहब 5-7 हज़ार का तो जुगाड़ हो जाएगा लेकिन बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? डॉक्टर साहब अगर मैं ऑटो भी गिरवी रखता हूँ तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसके दवाई और इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? डॉक्टर साहब मेरी एक ही बच्ची है। डॉक्टर साहब अगर इसे कुछ हो गया तो हम दोनों किसे देखकर जिंदा रहेंगे? डॉक्टर साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपका पांव पकड़ता हूँ। देखिए बेड की कसम खाकर कहता हूँ साहब, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बच्ची का इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। देखिए मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ लेकिन ये दुनिया किसी की मजबूरी को समझे भी तो उसकी मजबूरी को कौन समझेगा? एक डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए लाखों रुपए का एजुकेशन लोन लिया है, पिताजी ने पुश्तैनी जमीन बेचकर हॉस्पिटल बनवाया है, यहाँ पर लगी हुई हर एक मशीन चाहे वो एक्सरे की हो, सोनोग्राफी हो, MRI हो, यहाँ तक कि जनरेटर पर भी लोन है, EMI चुकाना पड़ता है। आप जैसे एक दो मरीज यहाँ रोज आते हैं और यही फरियाद करते हैं लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। सॉरी डॉक्टर बाबू ठीक कह रहे हैं देवयानी, इसमें इनकी गलती कोई नहीं है रे, गलती तो हमारी है, गलती तो इस बच्ची की है जिसने हमारे तुम्हारे जैसे गरीब माँ बाप के घर में पैदा लिए। लेकिन तू चिंता मत कर देवयानी, तू चिंता मत कर, तेरा पति भी जिंदा है, इसका इलाज होगा, मैं अपनी बच्ची का इलाज करवाऊंगा, मुझे चाहे रात दिन इसके लिए मेहनत क्यों ना करना पड़े पर मैं इलाज कराऊंगा। तू टेंशन मत ले। तुम कहीं बिजी थी तो मैं एक दोस्त के साथ बैठ गया, 1.5 घंटा हो गया घर जा रहा हूँ, मैं कोई पीने बैठता तो पैसा थोड़ा ही देखता है, 3,000 के बिल हो गए। हाँ बाबा हाँ देश ले लेना, 1,000-1,500 तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है, 200 का बेटे को टिप्स दे आ जाऊँ। ओके भैया रिक्शा लगाना साइड में, कितना? 48 रुपया।
भैया दो रुपये छूटा नहीं है। तुम ऑटो वाले ऐसे कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हो। अरे भैया अभी जस्ट घर से आए, छुट्टा नहीं है तो फिर अभी कहाँ से आप लो ना, दो काफ़ी छुट्टा दो 48 रुपया। तुम लोग यार प्रत्येक दिन तुम लोग सब कस्टमर कैसे लूटते हो। ठीक है, क्या आदमी है यार, पकट का ये बहस कर रहा है खाली फोन पर। 3,000 का दारू पी गया, 200 रुपया वेटर को टिप दे दिया, 2 रुपये के लिए पाना रिक्शा वाला कमाता है। अरे भाई छुट्टा नहीं है तो कहाँ से दे दूँ। इस समय ट्रेन पर चढ़ने का मतलब है ओलंपिक का रेस जीतना, पैर रखने का जगह नहीं होता है। अच्छा बताओ चुना भट्टी तक कितना लगेगा? 80 रुपया। 80 रुपया बता साला, ट्रेन में सिर्फ 10 रुपया लगता है पर भीड़ इतना होती है कि पूछो मत। ये गवर्नमेंट पब्लिक के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। करप्शन इतना बढ़ गया कि पूछो मत। हर पब्लिक यही सोचती है कि गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ सोचती नहीं, और हर पब्लिक यही सोचती है कि उसे 1 रुपये किलो चावल, और उधर जो किसान है ना वो सोचते हैं कि उसके चावल 3 रुपये किलो बिके। अब गवर्नमेंट क्या करेगी भाई साहब? कहाँ तो लोग लाखों करोड़ों कमा लेते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देते, और फिर भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कुछ करती है। भैया पहले अपने आप को सुधारना पड़ता है तब गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद रखिए। ठीक है रुको यहाँ पर। कितना हुआ? 50 रुपये। भैया लोखंड वाला जाना है। सब्जियों का ले आना। अरे मेरी लाड़ो मेरी बच्ची कैसी है? ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, 2-4 दवाइयाँ दिए हैं, थोड़ा इंजेक्शन देंगे, फिर उसको बोले जैसे ही समय मिलेगा हम ऑपरेशन कर डालेंगे, अब मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। सुनिए ना। क्या हुआ? इधर आइए। क्या हुआ? अच्छा इधर आइए ना। अभी एक लड़का लड़की बैठा था ऑटो में, तो शायद उसी का छूट गया होगा, तो देखो खोल के उसका एड्रेस होगा पहुंचा देंगे। इसमें क्या है?
बाप रे, इतने सारे पैसे, इससे तो हमारी बेटी का इलाज हो सकता है। पापा, मेरे इलाज के लिए पैसे का इंतजाम हो गया। मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं देवयानी, हम इस गलत पैसे से अपनी बेटी का इलाज नहीं कर सकते। हो सकता है ये खोया हुआ पैसा उसके किसी जरूरी काम का हो। पाने वाले को तो अभी बद्दुआ दे रहा होगा ना। वो हम इस गलत पैसे से अपनी बेटी का इलाज नहीं कर सकते। हम इस पैसे को वापस कर देंगे। इसे मुझे लौटाना होगा। हम इसे लौटा देंगे। तुम यहाँ कैसे? अच्छा तो मैं दरवाजा बंद करूँ। जब मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन फ्री में नहीं कर सकता हूँ तो तुम्हें क्या लगा तुम मेरे घर चले आओगे, मेरे पैर पकड़ोगे तो मैं क्या तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन फ्री में कर दूँगा? अरे तुम्हारे जैसे कितने ही लोग रोज आते हैं, तो क्या मैं सबका इलाज फ्री में करता चलूँ? चले जाओ और 25,000 का इंतजाम करो, फिर आना मेरे पास। मैं यहाँ पर सफर एहसान करने नहीं बैठा हूँ। जाते हो या वॉचमैन को बुलाओ? एक मिनट डॉक्टर बाबू, एक मिनट। मैं यहाँ अपनी बेटी का इलाज कराने नहीं आया हूँ और ना ही आपका कोई एहसान लेने आया हूँ। मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि कल ये बिटिया मेरे ऑटो में बैग छोड़ गई थी। ये बैग खोलकर देखा तो इसके आधार कार्ड में यहाँ का एड्रेस था, पर मुझे क्या पता था डॉक्टर बाबू कि ये आपका घर है। ये लो बेटिया, बैग खोलकर अपने कागजात और पैसे देखिए। पापा, कल जो आपने बैंक में से पैसे निकालने को बोले थे ना, ये सब पूरे इसमें। और डॉक्टर बाबू, वॉचमैन को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आया था और खुद चला जाऊंगा। और सवाल नहीं मेरी बेटी का इलाज का, तो उसका इलाज मैं किसी ना किसी तरीके से करा ही लूंगा। ठहरो, I'm sorry, मैंने तुम्हें गलत समझा। शायद मेरे जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत होंगे, पर इस दुनिया में तुम्हारे जैसा इंसान भी है जो दूसरों को इंसानियत की राह पर चलने का सिखाता है। कभी कभी इंसान दुनिया के चकाचौंध में इस तरह खो जाता है कि उसे दूसरे इंसानों के जज्बातों का ध्यान नहीं रहता। हाँ, यह मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई में, हॉस्पिटल खोलने में और सारी मशीनें लेने में बहुत खर्चा किया, लेकिन ये सब तुम्हारी इंसानियत के आगे बेकार है। मैं तुम्हारा कर्जदार हो चुका हूँ। मेडिकल की डिग्री लेने के बाद भी मैं एक सच्चा इंसान नहीं बन पाया, और सीखने के लिए तुम्हारी क्लास ही काफी है। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी बेटी का नहीं बल्कि हर गरीब और जरूरतमंद का इलाज मैं मुफ्त में कराऊंगा। कल अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल आ जाऊंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। आदमी के अंदर इंसानियत मरता नहीं है डॉक्टर बाबू, उसे जगाने वाला चाहिए।